अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन और चले हाल ही सी वीडियो की तरफ। आज लीजिए हमारी वीडियो नो टाइटल से अहमदाबाद फेमस 120 इयर्स ओल्ड चांदी विलास रेस्टोरेंट। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो भी यहाँ आते थे और यहाँ बैठ के ये तय किया था कि आपको पीएम बनना है। अहमदाबाद तो जाना माना है, उसका बहुत पुराना इतिहास है। तो देख सकते हैं अहमदाबाद की फेमस जलेबी लग रही है यहाँ पे, चंद्र विलास की जलेबी। यहाँ पे बहुत ही फेमस लोग आके गए हैं और यहाँ की जलेबी काफी जानी मानी है। महात्मा गांधी ने टेस्ट नहीं किया था, वो तो अपने विजिटर है, अपने को आजादी मिली तो विश करने के लिए निकले थे, तो अपने लिए तो विजिटर है बहुत बड़ी बात है। वैसे सरदार वल्लभ भाई अक्सर आया करते थे, तो उस जमाने में 18,000 कप चाय पर डे जाता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन जो किया है और दशहरा के दिन जो हमने ट्रेंड बनाया है, तो हम पायनियर कह सकते हैं इसको। हेलो गाइस, तो लोग इतना खुश थे तो उन्होंने एक बॉयलर बनाया था, तो उसके अंदर कॉपर का बॉयलर के अंदर पानी गर्म रहता था ताकि क्या चाय बनाने में इजी रहे। तो लोग आज भी जो गुजराती लोग हैं तो बॉयलर को हम लोग बम्बा कहते हैं, तो कहते चलो बम्बा नहीं चाय पीवा जाइए, ऐसा उस वक्त बोला जाता था। उसके बाद में जो उसकी मलाई रहती थी, दूध भी बहुत यूज होता था तो लोग मलाई भी खाते थे। बाद में धीरे धीरे फाफड़ा इंट्रोड्यूस किया, तो फाफड़ा के साथ जो कड़ी चटनी बनती है अभी आपको खाना पड़ेगा, तो वो भी आप देखिए, तो वो लोगों को खूब पसंद आया। उसके साथ साथ फिर जलेबी स्टार्ट किया, तो फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ से शुरू हुआ। और पर्टिकुलर डे ऑफ दशहरा जो यहाँ आज भी बहुत क्यू लगती है, बहुत लाइन लगती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन जो किया है, जैसे फाफड़ा अलग से खाए जाते थे, जलेबी अलग से खाई जाती थी, मगर वो कॉम्बिनेशन करके और दशहरा के दिन जो हमने ट्रेंड बनाया है, तो हम पायनियर कह सकते हैं इसको। बाहर से भी लोग आते हैं तो खूब पसंद करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मेंटेन रहे और पब्लिक को तो मजा आता ही। मैं थर्ड जनरेशन हूँ। तो सर क्या खास बात है आपकी जलेबी में, आपके फाफड़े में कि लोग इतने दूर दूर से यहाँ पे खाते हैं? हाँ, फाफड़ा में तो जैसे मैंने बताया कि जो कड़ी चटनी था, तो लोग आज भी जैसे हमारे यहाँ साउथ इंडियन खाते हैं तो उसके साथ साथ सांभर बहुत पसंद करते हैं लोग। इसी तरह से कड़ी की वजह से फाफड़ा भी चल गया। आज भी लोग कहते हैं कि ये हमारा रेस्टोरेंट है, अपने गेस्ट को लेके आएंगे कि चलो मैं आपको मेरी होटल में लेके चलता हूँ, तो वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अहमदाबाद तो जाना माना है, उसका बहुत पुराना इतिहास है। महात्मा गांधी ने टेस्ट नहीं किया था, वो तो अपने विजिटर है, अपने को आज़ादी मिली तो विश करने के लिए निकले थे, तो अपने लिए तो विजिटर है बहुत बड़ी बात है। वैसे सरदार वल्लभ भाई अक्सर आया करते थे, वैसे कॉरपोरेशन में मेयर थे, तो उनको रतालू की पूरी बनती थी, वो और चाय वो खास पसंद थी। इंदू चाचा जो महा गुजरात और गुजरात अलग बना था, तो उस वक्त उनका बड़ा एक्टिव रोल था, तो वो भी अक्सर आया करते थे। बाकी असरानी, राज कपूर भी अक्सर आया करते थे। अभी मैंने NDTV का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें रवीश जी ने बोला कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो भी यहाँ आते थे और यहाँ बैठ के ये तय किया था कि आपको PM बनना है, सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे। हाँ, संडे को तो रहता ही है, मतलब छुट्टी नहीं, खुला ही 7 डेज। गांधी रोड अपना पुराना फेमस रोड है, तो वहाँ पे आके रतन पुल के सामने। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो चलिए अपना खाना टेस्ट करते हैं जी। तो चंद्र विलास की गुजराती स्पेशल थाली यहाँ पे लग चुकी है, तो देख सकते हो कितनी बड़ी थाली है और थाली का प्राइस मैं आपको बताता हूँ 150 रुपीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या क्या लगाया यहाँ पे। तो देख सकते हो ये इनकी पूरी रहती है, तो एक प्लेट में ऐसी 8 पूरी आती है और साथ में इसके साथ खाते हैं ये सब्जी, आलू की सब्जी रहती है और ये रहती है सूखे आलू की सब्जी। तो साथ में इन्होंने मुझे दिए कड़ी, तो साथ में इन्होंने मुझे दिए सेव उसल और साथ में दिए समोसा और ये है खमन और देख सकते हो ये है इनकी पापड़ी
और यहाँ पे लगाया इन्होंने पापड़ा और ये है जलेबी। तो साथ में इन्होंने मुझे पपाया दिया है और फ्राइड मिर्ची दी है और ये दिया है गोटा और इस थाली में दिया है मुझे पात्रा। तो इतनी बड़ी थाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं अपनी थाली टेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा इनकी पूरी। तो इनकी आलू और पूरी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मसाले बहुत ही अच्छे से उन्होंने कुक किए हैं और जो इसकी ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि गुजरात में थोड़ा लोग मीठा खाना पसंद करते हैं तो हल्की सी मीठी है, बाकी टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ यहाँ पे फाफड़ा और कढ़ी। तो इसको मैं ट्राई कर लूँगा कढ़ी के साथ। तो फाफड़ा और कढ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फाफड़ा एकदम नमकीन सा है और साथ ही साथ जो इनकी कढ़ी है मीठी सी है। तो अगर आप गुजरात आ रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहाँ पे लोग फाफड़ा और कढ़ी खाते हैं, बहुत ही कॉमन रहता है यहाँ पे। और अब मैं इनकी जलेबी टेस्ट कर लेता हूँ जिसके लिए फेमस है। तो मैंने आज तक जितनी भी जलेबी खाई है ये वन ऑफ द बेस्ट जलेबी है। एकदम टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी फ्रेश है और जो इन्होंने जलेबी बनाई है घी में काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रही है। तो अगर आप अहमदाबाद रहते हो या अहमदाबाद विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आके ये थाली ज़रूर ट्राई कीजिए। काफ़ी नॉमिनल सा प्राइस है, 150 रुपीज़ की है, तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये रेस्टोरेंट पूरा हेरिटेज रेस्टोरेंट है तो आपको पूरी फील आएगी यहाँ पे, एकदम बढ़िया से खा सकते हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश कर रहा हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। वाह मीना, बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत एक्साइटेड हुआ ये चीज़ें देख के कि चंद्र विलास जो रेस्टोरेंट है यार 120 इयर्स ओल्ड, इतना मतलब के पुराना रेस्टोरेंट जो कि इतने टाइम से अपनी जो एक डिशेस से मतलब के फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल हनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये चीज़ें देख के तो मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ गया और यकीन है आपके भी मुँह में आया होगा। और बहुत मज़ेदार चटपटी चीज़ें थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और देखकर तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं फ़ौरन खा लूँ। और अब यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें बनने लग गई क्योंकि यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत गुजराती लोग रहते हैं और ऐसी गुजराती डिशेस लोग बहुत पसंद करते हैं। तो पहले तो मैं अपना कहूँगी कि मुझे बहुत पसंद है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा खारादर हो गया, रंशोलाइन हो गया, यार क्या डिशेस। हाँ, बहुत चटपटी मसालेदार चीज़ें खाते हैं। वही मसालेदार, वही चटपटा, वही जायका जो हम वहाँ के जो चंद्र विलास रेस्टोरेंट में है। और बहुत मतलब डिलीशियस चीज़ें यहाँ बनती है, जलेबी, फाफड़ा, नो डाउट, बिल्कुल काफ़ी चीज़ें। और अब तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये थालियाँ बनने लग गई है। हाँ, इंडियन थाली लोग जाकर स्पेशली खाते हैं छुट्टी वाले दिन, अपने बीवी बच्चों को लेकर जाके वहाँ पे खाना खाते हैं, थाली स्पेशली बनवाते हैं। और बिल्कुल यही चीज़ है कि ये जलेबी तो नहीं देखी, एक यूनिक एक वहाँ पे हमने देखा गुजराती में। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग ये फाफड़ा, आई थिंक ढोकला और आलू की भुजिया और मिर्ची, बिल्कुल कचौरी, ये चीज़ है, जो डिशेज है ये मतलब कि बहुत ही स्वीटिश डिशेज होती है। स्वीट तो सबसे ज़्यादा मतलब कि आप ले लो कि इस कल्चर में सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में समझो कि स्वीट मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। बिल्कुल, और खाने के बाद एक मीठी डिश तो लाजमी है, बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर इसमें ये गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो क्या ही बात है। नो डाउट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह इन्होंने थाली सजाई बहुत अच्छी हमें लगी। रंछोड़ लाइन में भी बहुत पुरानी दुकान है जहाँ पे ये मीठा मिलता है और बहुत स्वीट, और वहाँ भी बहुत सारे लोग बहुत शौक से खाने आते हैं। और खारादार पे भी ये जो मिठाई है ये बहुत यानी कदमी ज़माने की पुरानी शॉप है। 50 साल, 50 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल अंदाजा लगाओ 50 ईयर्स ओल्ड यहाँ भी आया भी शॉप है। बिल्कुल, यहाँ पे भी कुछ शॉप्स ऐसी है जो कदमी ज़माने की है और अब तक चलती भी आ रही है। ये जो हमने देखा ये जलेबी, ये फाफड़ा, तो मुझे वही बिल्कुल जहन में आ गया कि हमारे इन इलाकों में अब तक ये दुकानें चल रही है और बहुत मशहूर नाम से चल रही है, आज तक मशहूर है। बिल्कुल ऐसी चलती है जैसे कि हम कहते हैं कि 12-1 बजे बिल्कुल इनफ, वाइंड अप,
इतना मतलब कि अच्छा नहीं, हम ये मीठी चीज़ों को, ये जैसे कि मीठी चीज़ें खाने के बहुत शौकीन है गुजराती लोग, तो इसमें गुजराती में हम क्या किस तरह कहेंगे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जैसे कि ये मीठी चीज़ ये खाने के बहुत शौकीन है गुजराती लोग। हूँ मीठू खावानो बहुत शौकीन छो। जी हाँ, ज़बरदस्त, नो डाउट। जब यहाँ भी इतने गुजराती लोग हैं, यहाँ पे पले बड़े और डिशेस खा रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। हाँ बिल्कुल। और आप मुझे बताएं कि यहाँ रणछोड़ लाइन में जो गुजराती जो आप शॉप बता रहे हैं कि कदमी ज़माने की, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर क्या चीज़ जैसे फेमस है ये हमारे रणछोड़ लाइन में? एवरीथिंग, सब चीज़ें। जैसे इसी तरह जो थाली पूरी बनती पूरी है, थाली बनना और अचार पापड़ी सेव, अच्छा फाफड़ा जलेबी, अच्छा एक और भी आइटम। लेकिन इसमें मैंने यूनिक जो मैंने गुजराती में ये देखा गुजरात में कि एक कड़ी यूनिक थी हमारे इधर, वो एक महा का जो है चंडी विलास एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और वो मतलब कि एक चलता हुआ आ रहा है ना, देखो वहाँ पे कदमी जमाने से ये कुछ तो देखो फर्क आता है, क्योंकि वो भी देसी है आपको पता है, और मतलब काफी फर्क आता है इन चीजों में। बटाटा वड़ा, बड़ा पाव, ढोकला, फाफड़ा और आलू की भुजिया, सेम कली, ये सब यहाँ भी यही चीजें अवेलेबल पूरी थाली के अंदर करके ये लोग देते हैं। और कड़ी आई थिंक मेरे ख्याल से एक मैंने यूनिक इसके अंदर वो देखी, बाकी कड़ी तो यहाँ पे भी खाते हैं स्पेशली, बाकी थाली के अंदर मेरे ख्याल से नहीं होती, आलू की भुजिया, मिर्च, ये सब होती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी बात है कि 120 साल पुरानी शॉप ये बाप दादाओं के ज़माने से चलती भी आ रही है और इनके बच्चों ने अब तक इनको संवारा है, सजा है और चला रहे हैं, वरना बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो वो कहाँ काम संभालते हैं। बिल्कुल, इनकी दो तीन पीढ़ियाँ इनको संभालती हुई आ रही है और इतना आसान नहीं होता स्ट्रगल जितना मतलब कि इस शॉप में ये कर रहे हैं। 120 ईयर्स ओल्ड जो ये शॉप है, मतलब इनके बच्चों ने कंधे से कंधा मिला के इनके साथ ना, बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे, अब तक चल रहे, कदम से कदम मिलाने से ही बोलते हैं ना कि सीढ़ी बनती है, बिल्कुल। तो ये उन्होंने काम करा और ये बहुत अच्छा लगा हमें कि ये काम उनका जोक भी है। अच्छा नहीं, ये 150 की जो ये थाली है तो ये तो बहुत वहाँ पे सस्ती थाली है, हमारे इधर तो अगर ये वहाँ के अगर पैसे काउंट भी करें तो जब भी बहुत एक्सपेंसिव यहाँ मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कभी ये मैंने नहीं देखा कि बड़ा पाव, बटाटा वड़ा और ये चीज़ें, अब ये काफ़ी नॉलेज होने लगी, लोग शौक से खाने लगे और वहाँ पे 150 की थाली मिल रही है और जिस तरह उस थाली को सवार रहा है और जिस तरह इंट्रोडक्शन करवाया अंदर और जिस बंदे ने वहाँ पे इनको ये सारी चीज़ें बताई है, मालूमात की है, बहुत अच्छे तरीके से इनको लेकर चले हैं और काफ़ी अच्छा गाइड किया इनको, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें भी, हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ और हमें भी अच्छा लगा कि किस तरह ये चीज़ें मालूमात। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा जो लगा कि तेल बहुत साफ़ सुथरा था जिसके अंदर वो फाफड़ा बन रहा था, जलेबी घी से बिल्कुल। और घी की चीज़ें तो तकरीबन लोग खाने के लिए अवॉइड करते हैं कि भाई हम मोटे ना हो जाए, फैल ना जाए, कितना साफ़ सुथरा घी था वो लग ही नहीं रहा था बिल्कुल, और बिल्कुल साफ़ सुथरी डिशेज, साफ़ सुथरी इन्होंने जिस तरह बताया, तो ये यानी मुझे तो लगता है कि 5-6 ये नस्ल बाई नस्ल से तो ये चीज़ें चल रही होगी जो अब तक चला रहे हैं, ये चल रही होगी इनकी नस्ल बाई नस्ल। देखो आपकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी ना तो ग्राहक खुद आपके पास आएगा, अगर आपकी क्वालिटी गिर जाएगी ना तो ग्राहक ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो इन्होंने अपनी क्वालिटी को कहीं गिरने नहीं दिया, बरकरार रखा है, बहुत बड़ी बात है, क्वालिटी को बरकरार रखा है, अपनी क्वालिटी के मयार पे जो उतरता है वही कामयाब होता है, बिल्कुल नो डाउट। चले जी, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा, तो चले व्यूअर्स, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, दोबारा कोई और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, मालिक तमाने सलामत रखे।